सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। मेरा नाम नवजोत कौर, मैं संत दरबारा सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन विच एमएड दी विद्यार्थन हाँ। तो अज का जो टॉपिक है कि बच्चों विच बैड हैबिट्स जिहड़ियां पैदा हो रही ने उहदे लई कौन रिस्पोंसिबल है। सब तो पहला मैं शुक्रगुजार हाँ इस सेवा पंजाब कम्यूनिटी दी जिन्होंने सानू मौका दिता। अज मैं स्टूडेंट लाइफ तो वुड बी अ टीचर बनन जा रही हाँ और मैं बहुत खुश हाँ कि मैं पहली बार इदा स्टेज पर आके सारिआं नूं मतलब अपने कोई विचार या अपने कॉलेज नूं रिप्रेजेंट कर रही हाँ तुहाडे सारिआं दे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा इन्ना वधिया मौका जो मैनूं अज मिलिआ आ। ते हुण जो भी डिस्कशन दा अपना टॉपिक हैगा आ कि वट आर द बैड हैबिट्स अमंग दी स्टूडेंट्स एंड हु इज़ रिस्पोंसिबल फॉर दैट। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी बच्चा जन्म तो बुरियां आदतां लैके पैदा नहीं हुंदा। ये अपना समाज, अपना घर दा माहौल, अपना जिहड़ा ग्रुप है, पीयर ग्रुप हुंदा आ, फ्रेंड सर्कल हुंदा आ, जिदे जिदे भी आपां कॉन्टैक्ट विच आउने आ ड्यूरिंग होल लाइफ, वो सारे कितों ना कितों आपां नूं कई बार अपने ना इदां दे इंसीडेंट हुंदे आ जिन्हां दी वजह करके अपना जो अपना रवैया आ जां जो अपनियां आदतां ने वो बुरियां बन जांदियां ने। जे बंदा वैसे ये तो है ही आ कि जे समाज दे कॉन्टैक्ट विच नहीं आवांगे या लोकां नूं नहीं मिलांगे तो चंगे बुरे दा पता नहीं लगेगा, फिर अपनी लाइफ बेकार आ। बंदा उही है जो चंगे बुरे नूं परखे, जिदा कि सर ने पहला दस्या सी कि विवेक, एजुकेशन नाल विवेक जिहड़ा आ वो बहुत ही आना जरूरी है। ता ही आपां एजुकेशन दे नाल ही आपां लोकां दे कॉन्टैक्ट विच आने आ, और जे विवेक होगा अपने अंदर ता ही आपां सही ते गलत रस्ता चूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल ना जिहड़ी बैड हैबिट स्टूडेंट्स विच आउंदी आ वो सब तो पहला अपने घर तो ही आउंदी है, क्योंकि घर विच अगे लोग बच्चे सी जॉइंट फैमिली विच रहिंदे सी, उहनां च कोऑपरेशन वाली फीलिंग हुंदी सीगी। तो हुण बच्चे सिंगल फैमिलीज़ रहिंदे आ, न्यूक्लीयर फैमिलीज़ हुंदियां ने, सिंगल चाइल्ड हुंदा आ, उहनूं पता ही नहीं कि उहने अपनियां खेडां ने जां जो भी अपनियां बुक्स ने किद्दां वो शेयर करनियां ने। अगे ये हुंदा सी कि एक साइकल लै के दिता जांदा सी, छोटा पहला वड्डा चलाउंदा सी, दो साल बाद दूजा चला लैंदा सी, फिर दो साल बाद दूजा चला लैंदा सी। तो उहनूं पता भी हुंदा सी कि मैं तोड़ना नहीं है, मेरे छोटे भरा ने चलाउणा बाद च, और उह सिखाउंदा भी खुद ही सी उहनूं जदों उहनूं आप आ जांदा सी। इदां दीआं चीज़ां स्टूडेंट लाइफ च भी अगे भी अपनी लाइफ च इह कम आउंदियां किते ना किते। और दूसरी गल इह है कि बच्चा जिदा लड़दा आ, जिद करदा आ, क्योंकि उह कल्ला हुंदा, उहनूं पता है कि जो भी मैं पेरेंट्स नूं कहूँगा उहनां ने पूरा करना ही करना है, उह इस करके उह लड़ाई दी हैबिट इदां दीआं ही इह आदतां उह स्कूल च लै जांदे, उत्थे वी इदां ही करदे आ, जिद करदे आ, टीचर्स नूं मनदे नहीं उहनां दी गल। और जिहड़ा हैगा आ जदों कल्ले एक सिंगल चाइल्ड होगा तो वह अपने पेरेंट्स नूं उन्नी रिस्पैक्ट नहीं दिंदा, क्योंकि वह अपने आप नूं ज़्यादा वैल्यूएबल सोचता है कि मैं कल्ला ही मुंडा आ, मैनू किसी ने की कहना, मैं जो मर्जी करा। तो उस तो बाद जिहड़ी सैकिंड गल हैगी आ कि अजकल दे जिहड़े बच्चे आ बड़े आलसी हुंदे आ, जिदा कि हुंदा आ कॉलेज या स्कूल च जिदा भी आउंदे आ तो वह प्रॉपर जिहड़ियां उहनां दीआं टैक्सट बुक हुंदियां ने उहनां नूं फॉलो नहीं करदे। दे ट्राई टू अडोप्ट शॉर्टकट मैथड इन एजुकेशन, क्योंकि उहनां नूं इही हुंदा आ कि जिदा शॉर्ट तो शॉर्ट टाइम विच जिन्ना वध तो वध पढ़ लिया जाए बस उही ठीक है। उहनां नूं मतलब एक्सप्लेनेशन जिदा आ वह नहीं, वह टैक्सट बुक नहीं फॉलो करन दी कोशिश करदे, मतलब कि अपनी रोट मैमरी जिदा होंदी है रट्टाफिकेशन विच ज़्यादा जिदा बिलीव करते हैं। और ये किते ना किते रिस्पोंसिबल जिहड़े हैगे ने वो टीचर एंड करिकुलम हुंदा आ, क्योंकि टीचर्स भी अजकल जिदा हैल्प बुक ही स्कूल विच बच्चों को हुंदियां ने, क्वेश्चन आंसर टीचर टिक कर देंदे आ कि इन्ना पढ़ लो, वो बच्चे उदा ही पढ़ते आ, उन्हां नूं नॉलेज नहीं हुंदी, ब्रॉड नॉलेज नहीं हुंदी रिगार्डिंग देयर सबजैक्ट मैटर। एंड नैक्सट इज़ अलकोहलिज़म, ये भी जिदा कि फैमिली तो समटाइम जिदा सर ने दस्या सी कि टीचर्स तो ही आउंदी है बच्चे च। एंड सैल्फ इनडिसिपलिन हुंदा है स्टूडेंट्स विच, नॉन कोऑपरेटिव हुंदे ने, नॉन सीरियस रिगार्डिंग देयर होमवर्क्स, एंड दे आर नॉट गिविंग रिस्पैक्ट टू देयर सीनियर्स एंड देयर टीचर्स।
ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਟੀਚਰ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਇਨ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਸਟ ਫੋਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰਸ ਬੋਥ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਦੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਪੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਫਕੋਰਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।